रामगंज यूआईटी कॉलोनी में मंत्री अनीता भदेल को करना पड़ा लोगों के रोष का सामना। पुराने सामुदायिक भवन के नवीनीकरण का करने गई थी शुभारंभ। कांग्रेस पार्षद श्रवण टोनी के नेतृत्व में लोगों ने पानी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने अपने घेरे में लेकर भदेल को गाड़ी तक पहुंचाया। लोगों ने कर रखी थी शौचालय बनाने की मांग। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता भदेल को रामगंज क्षेत्र में लोगों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। अनीता भदेल रामगंज यूआईटी कॉलोनी में एक पुराने सामुदायिक भवन के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ करने गई थी। क्षेत्र के लोगों की मांग इसी स्थान में कुछ दूर शौचालय बनाने की थी, पर लोगों की मांग पूरी नहीं हो पाई। इधर क्षेत्र के पार्षद श्रवण टोनी का कहना है कि सामुदायिक भवन वर्षों पुराना बना हुआ है। इस भवन पर प्लास्टर और रंग रोगन का कार्य कराया गया है। भाजपा नेताओं ने इस भवन कार्य का श्रेय लेने के लिए नया शिलान्यास पत्थर लगाकर उसका शुभारंभ किया, जो पूरी तरह गलत है, जबकि लोग शौचालय और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। मंत्री भदेल जब शिलान्यास कर लौट रही थी, तभी लोगों ने भाजपा और भदेल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों के जमावड़े की खबर सुनकर रामगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने भदेल को अपने घेरे में लेकर उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। आज वार्ड 20 के अंदर सामुदायिक भवन जो कि यूआईटी का क्षेत्र है और रामगंज यूआईटी कॉलोनी के अंदर स्थित है, वहाँ पे एडीए द्वारा रिपेयर का कार्य हुआ, जिसमें प्लास्टर और रंग रोगन का कार्य हुआ। उस कार्य को लेकर यहाँ की राज्य मंत्री अनीता भदेल और हेड़ा जी खुद यहाँ पे आके फीता काट रहे हैं और बड़े बड़े दीवारों पर अपना नाम शिलालेख करवा रहे हैं, जिसके विरोध में आज मैं और क्षेत्र के लोग, उनका जन आक्रोश था कि यहाँ पे निर्माण कार्य कराया जाए, दो लेटरिन दो बाथरूम बनाए जाए ताकि जनता को राहत मिल सके, लेकिन इन्होंने एक भी ईंट आज तक नहीं लगाई। इस कारण जनता ने उग्र रूप से आंदोलन किया और यहाँ पे इनको कार्यक्रम छोड़कर भागना पड़ा। कारण ये था कि आज तक 15 साल हो गए अनीता भदेल को इस क्षेत्र से जीतते हुए, लेकिन 15 रुपये का काम भी पूरे वार्ड में आज तक नहीं कराया। अगर ये काम कराते तो हम खुद इनका सम्मान कर सकते थे, हम इनका स्वागत कर सकते थे, लेकिन इन्होंने आज तक कोई भी काम वार्ड में नहीं कराया। इसको लेकर वार्ड की सभी महिलाएं, पुरुष और युवा साथियों ने विरोध किया और मैं इस विरोध को करता रहूँगा, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर 15 साल में एक भी कार्य नहीं हुआ। 15 साल से मैं भी पार्षद हूँ, 15 साल से वो भी मेरे क्षेत्र में विधायक है। विधायक होने के नाते उन्होंने आज तक कुछ भी काम नहीं किया। वार्ड में जब वोट लेने का टाइम आता है तो विधायक भी नज़र आता है, सांसद भी नज़र आता है, लेकिन जनता केवल पार्षद को पकड़ती है और पार्षद का एक सीमित कोटा है। सीमित कोटे के अंदर जो भी उसका विकास कार्य होता है, पैसा लगाने का होता है, उसमें रोड नाली सब अपनी तरीके से बना लेता है, लेकिन यहाँ की क्षेत्रीय विधायक के द्वारा कोई भी काम आज तक नहीं किया गया। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी विरोध जारी रहेगा और कांग्रेस कार्यकर्ता इस जहाँ पे भी ये लोग जाएंगे उनका उग्र रूप से प्रदर्शन करेंगे और इनको जूतों की माला पहनाएंगे। और नगर निगम में जब भी जीसी होगी, साधारण सभा होगी, इस बिंदु के ऊपर हम यही मांग करेंगे कि अनीता भदेल जो यहाँ की विधायक है दक्षिण की, उसके द्वारा हमारे वार्डों में विकास कार्य क्यों नहीं होता, क्यों परहेज किया जाता है। ये जब वोट लेने की बारी आती है, जब तो कांग्रेस बीजेपी नहीं देखते हैं, तब तो ये वोट लेने के लिए गली गली भागते हैं। क्यों भागते हो? अगर जब तुम्हारा काम ही कराना है तो सबको समान रूप से काम कराया जाए। एक वार्ड ऐसा है जो दक्षिण के अंदर है, चंद्रवदाई वाला एरिया, वार्ड नंबर 23, डिप्टी मेयर का वार्ड है संपत साकलाग जी का। वहाँ पर लगातार आज तक 3 साल के अंदर 12 करोड़ के काम हो गए। वहाँ पे क्या कोई अलग आदमी आकर रहे, या वहाँ पे कोई NRI कॉलोनी है? और जहाँ पे गरीब जनता है, जिनको काम की आवश्यकता है, जिनको काम विकास कार्य होना चाहिए उनके वार्ड में, वहाँ पे विकास कार्य नहीं हो रहा है। श्रवण टोनी, पार्षद, नगर निगम अजमेर।